ये जो कांग्रेस का प्रश्न आप रोज कर देते हो और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज बीमारी की हालत में है। और मैं सलाह दूंगा, आपके माध्यम से दूंगा कि उनको सलाह दें, वो अच्छे किसी डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, अच्छा ट्रीटमेंट लें और मानसिक रूप से ये जो बीमारी, कभी अधिकारियों पर आरोप लगाना, कभी ईवीएम पर आरोप लगाना और अपने काम को ठीक ना करना, जनता पर भरोसा रखना लोकतंत्र की पहली पहचान होनी चाहिए। और हमने लोकतंत्र के सम्मान किया है, जिन्होंने वोट दी है, वोट देने वाले वोटर के ऊपर भी इस प्रकार के आरोप लगाना, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी बीमारी है। तो इस बीमारी का कांग्रेस ने इलाज करवाना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी आप लोग मिलते रहते हो, उनको सलाह देनी चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी जिस प्रकार से वैचारिक रूप से बुढ़ापे की ओर है, पूर्ण रूप से कांग्रेस के जो नेताओं के विचार हैं वो बिल्कुल बुढ़ापे का प्रतीक है और वो घटत की तरफ है, वो घटती जा रही है। और इसी प्रकार से बयानबाजी करेगी तो कांग्रेस पार्टी घटती रहेगी। एक सवाल सर आपको लेकर है, आपको हमने बतौर संगठन में काम करते हुए भी देखा था, आप बतौर विधायक भी रहे, लोकसभा का चुनाव भी पार्टी ने लड़वाने का काम किया। अब मुझे याद है इसी दिल्ली में ही हरियाणा भवन में आपने पहले ही कह दिया था टिकट बंटवारे से पहले कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे चुनाव में जाना है, चुनाव लड़वाना है। अब ओवरऑल आपकी लीडरशिप भी कही जाएगी, ठीक है, उनका भी नाम था सीएम साहब का, आपका भी था, पूरी जोड़ी थी। आगे मोहनलाल मडौली साहब कैसे देखते हैं अपना भविष्य, क्योंकि आपकी लीडरशिप में ही वो बहुमत 14 और 19 से भी ज्यादा 24 में आया है। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये जो 2024 का विधानसभा का चुनाव हुआ है, और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने मार्गदर्शन करने का काम किया, 5 प्रभारी इस चुनाव के निमित्त केंद्र की तरफ से और हमारे केंद्रीय मंत्रियों की जिस प्रकार से ड्यूटियाँ लगी, निरंतर सभी कार्यकर्ताओं को संभालने का जो काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जो कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव को पैदा कर रखा था, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रखा था और जो एक झूठ का गुब्बारा कांग्रेस पार्टी ने फुलाने का काम किया, उस झूठ के गुब्बारे की हवा हरियाणा के वोटर ने निकालने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ा परिश्रम किया है, हर घर तक गए हैं, हर वोटर तक अपनी पहचान बनाई है, हर वोटर तक पहुँच बनाई है, और उसी का ये परिणाम है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है, उसको आशीर्वाद देने का काम किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।